मुमताज आलमदीन शेखुल हदीस और तहरीक लबैक के सरबराह अलामा हादम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अलामा हादम हुसैन रिजवी तवील अरसा से अलील थे, चंद रोज से तेज बुखार और सांस लेने में दुश्वारी थी। अस्पताल ले जाया गया, ताहम जामजर ना हो सके। जस्ते हाकी घर पहुँचा दिया गया। नमाज जनाजा मनार पाकिस्तान ग्राउंड में 3 बजे दोपहर को होगी। अलामा हादम हुसैन रिजवी ने तहफ्फुज़ नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तवील जद्दोजहद की। अलामा हादम हुसैन रिजवी हाफिजुल कुरान और शेखुल हदीस थे। फारसी जुबान पर अबूर हासिल था। अटक में पैदा हुए, मुस्तकिल तौर पर लाहौर में रहाइश रखी। लाहौर जेल उमर दीना के मदारस से तालीम हासिल की, फिर मक्की मस्जिद लाहौर में अमामत के फराइज भी अंजाम दिए। इनकी जमात ने 2018 के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म, वज़ीर हारजा और गवर्नर वज़ीर आला पंजाब का अफसोस। इमरान खान ने ट्वीट किया, अलामा हादम रिजवी के अहले खाना से ताज़ियत करता हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अनरकाल की खबर पर दुख हुआ। पीर नूरुल हक कादरी ने कहा, पाकिस्तान सच्चे आशिक रसूल से महरूम हो गया। गवर्नर के पी फयाज़ हसन चौहान, MQM पाकिस्तान का इजहार अफसोस। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन किरदार अदा करेगा। अमन मुज़ाकरात के बावजूद पुरतशद्दुद दो वाकयात पर तशवीश। वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगान सदर से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। अशरफ गनी बोले, अफगानिस्तान अवाम की तरक्की के लिए जंगबंदी अहम है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुफादात मुश्तरका है। अफगान सदर अशरफ गनी का जल्द दौरा पाकिस्तान का भी ऐलान। पाक अफगान ताल्लुकात में नई जहद, वज़ीर आज़म का दौरा अफगानिस्तान। सदर अशरफ गनी से 1-on-1 मुलाकात। वफद के मुज़ाकरात, वज़ीर हारजा शाह महमूद, DGSI मशीर तिजारत सेक्रेटरी हारजा और नुमाइंदा खसूसी ब्राय अफगान की शिरकत। सदारती महल पहुंचे पर वज़ीर आज़म इमरान खान का पुरतकाब इस्तकबाल। इमरान खान से अफगान क्रिकेट टीम की मुलाकात। टीम ने दस्तखत शुदा बैट तोहफे में दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दो तरफा राबतों के फरोग पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक मुश्तरका इंटेलिजेंस अमूर को हतमी शक्ल देंगे। मुश्तरका ऐलानिया में कहा गया, दोनों ममालिक की सरजमीन किसी सूरत एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वज़ीर हारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हम अमन के हवा हैं और पूरी मामनत करेंगे। अदालत किसी मफरूल को रिलीफ नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट अतहर मिनिल्ला के रिमार्क। इश्तहारियों की तकरीर नशर करने पर रिमार्क दिए, मफरूल मुजरिम की तो शहरियत मंसूख हो सकती है। मफरूल पहले अदालत के सामने सरेंडर करे, फिर वो कानूनी हुकूक से फायदा उठाए। अदालत ने दरहा से कबल समात होने से मुतलक दलाइल तलब कर लिए। कुछ सहाफी रियल स्टेट वालों से पैसा लेते हैं। चंद सहाफियों का ग्रुप बना हुआ है जो अपने मतलब की खबरें चलाते हैं। तहम 99.9% सहाफी अच्छे हैं। शहबाज गिल की गुजरांवाला में गुफ्तगू। सेनेटर फैसल जवैद ने कहा, सहाफियों को पार्टी नहीं बनाना चाहिए, मुकद्दस पेशे में हक का साथ देते हैं। कुछ सहाफियों के गैर मुसाफाना इकदाम की भी मजम्मत करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की हुकूमत पक्की। चार आजाद अरकान की शमूलियत से PTI को अक्सरियत हासिल होगी। वजीर मोहम्मद सलीम, नासिर अली खान, मुश्ताक हुसैन, हाजी अब्दुल हमीद खिलाड़ी बन गए। वफाकी वजीर अली मीन गंडापुर ने वेलकम किया। मुराद सईद ने ट्वीट किया, गिलगित में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। तहरीक इंसाफ 15 रोज में हुकूमत तश्कील देने का फैसला। इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत, जनवरी तक मेहमान है। आजाद अरकान बस 2-3 महीने तक इंतजाम करे। कठपुतली बनकर इस्लामाबाद का हुक्म मानेंगे तो अवाम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ओहदे का भी पास नहीं रखा। वो PTI की हुकूमत बना रहे हैं। अवाम के वोट पर डाका का मामला हर सतह पर उठाएंगे। सऊदी अरब के सहराई इलाके में बर्फबारी शुरू हो गई। सहरा ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। सर्द हवाओं के बाद रियाज और दीगर इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। चंद रोज के दौरान बारिशें भी मुतवक्का। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का पढ़ने की अपील।